हाँ तो भाई बच्चों, अब हम आपको नए कॉन्सेप्ट बताएंगे। भाई जीरोस आपको फाइंड करना है, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, ठीक है, और दूसरे जीरो पॉलिनोमियल के। भाई बेटा जितने भी रियल नंबर होते हैं, जैसे कि आप कुछ भी ले लिए, -1 -2, ठीक है, 5 3 7 0, ये सब जितने भी नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो का मतलब समझ के, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो होते हैं, वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होते हैं। और एक जीरो जो है उसको एक स्पेशली पॉलिनोमियल का नाम दिया गया, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से जीरो को छोड़ के सारे आपके क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, और जीरो क्या है आपका, जीरो पॉलिनोमियल। भाई एक हमने भाई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लिया, दैट इज px इज इक्वल टू 5, इसके हमें जीरोज फाइंड करना है, क्या जीरोज। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको x वेरिएबल है, इधर कुछ x नहीं दिख रहा, तो हम x की पावर यहाँ पे भाई जीरो ले ले रहे हैं। किसी पे भी पावर अगर जीरो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 5 × 1 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने चेक करा कि भाई जीरो किस वैल्यू पे मुझे मिल रहा है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5x की जगह 1, पावर 0। किसी भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, ये 1 की पावर 0 का मतलब 1, फिर 1 × 5 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने वेरिएबल 2 पुट करके देखा, तो अब हमने यहाँ पे 2 पुट करा, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, और पावर कितनी भाई 0, 5x की पावर 0, तो 5 2 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम x की जगह पे कितनी वैल्यू ले रहे हैं, 2, फिर 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1, 1 × 5 5। बेटा इस तरह से आप कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई भी वैल्यू आपको जीरो नहीं मिलेगा। इसका कहने का ये मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लिए भाई, देखिए यहाँ पे आपने 1 पुट करा तब भी 5 मिला, 2 पुट करेंगे तब भी 5, कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे आपको सेम ही मिल जाएगा। अगर आप जो है भाई 2 के लिए पुट कर रहे, तो कुछ भी वैल्यू पुट करिए 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम px बराबर 5 के लिए पुट कर रहे, तो मुझे बराबर 5 मिलने जा रहा था। तो इस कंडीशन ये कहती है कि भाई कुछ भी आप वैल्यू पुट करिए आपको जीरो, कुछ भी पुट करने पे जीरो नहीं मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ठीक है, अ नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब है जीरो को छोड़ के। हाँ तो भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, आपको जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने। भाई यहाँ पे हमने एक जीरो पॉलिनोमियल ले लिया, दैट इज px बराबर 0। ठीक है भाई, जीरो ही तो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट करी 1, तो भी हमें जीरो मिला। भाई यहाँ पे कहीं पे x है ही नहीं ना, आप जो x की पावर 0 ले सकते, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब यहाँ पे x की वैल्यू ली मैंने 2, तब भी भाई जीरो मिला। फिर मैंने x की वैल्यू ली -1, तब भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप कोई भी रियल नंबर लिए, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल में हमेशा आपको जीरो ही वैल्यू मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं एनी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू लेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। तो आप सिंपली कह सकते हैं एनी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब भाई इधर आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, चेक वेदर -2 और 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। कहना ये चाह रहे हैं x+2 का -2 और 2 जीरो है या नहीं। भाई देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ले लिए लेट px इज इक्वल्स टू x+2। भाई हमने x+2 को एक पॉलिनोमियल ले लिया, सबसे पहले हमें -2 को चेक करना है कि वो जीरो है कि नहीं। तो भाई जहां जहां पे x है वहां पे आप -2 पुट कर दिए, हो जाएगा x की जगह पे -2 + 2, दैट इज इक्वल टू जीरो। -2 पुट करने पे आपको जीरो मिल गया, यानी -2 इसका जीरो है। अब भाई 2 के लिए चेक करते हैं, फिर से जहां जहां x है वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे, +2, ये हो गया 2, x की जगह पे 2 4, जीरो आपको नहीं मिला। यानी -2 तो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, लेकिन 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। बस इसको सिंपली लिख दिए, -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x+2 बट नॉट 2। सिंपल है, -2 इसका जीरो है, लेकिन 2 + 2 इसका जीरो नहीं है। भाई जीरो उसका क्या होता है कि आपने उस वेरिएबल की वैल्यू उसमें पुट करी, आपको जीरो मिल जाना चाहिए। भाई -2 पे तो आपको जीरो मिल गया, लेकिन +2 पे आपको जीरो नहीं मिल रहा है। भाई एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 + 2x + 1।
इसके इसमें आपको ये आपको पॉलिनॉमियल दिया, इसका आपको जीरो फाइंड करना है भाई, किस वैल्यू पे फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे आप पुट कर दे, ये सब कुछ गिवन नहीं। अगर इस तरह का कुछ आ जाए कि भाई किस वैल्यू पे आपको निकालना है जीरो, ठीक है, किस वैल्यू पे चेक करना है, इस तरह से अगर ना गिवन हो तो कैसे निकाले। सिंपली ये जो आपका पॉलिनॉमियल है इसको इक्वेट कर दिए जीरो के, इसको इक्वेट कर दिए किसके, जीरो के। तो हमने पी एक्स बराबर जीरो ले लो, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या करेंगे अगर किस वेरिएबल पे फाइंड करना ये नहीं गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप जो है जीरो के इक्वेट कर दिए और x की वैल्यू सिंपली इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर दी भाई। तो पी एक्स बराबर ये दिया था हमने, पी एक्स बराबर 0 ले लिया, इक्वेटिंग टू 0 ये कर देंगे, ठीक है, इक्वेटिंग टू 0। अब भाई जब मैंने इक्वेटिंग टू जीरो करा तो पी एक्स की वैल्यू तो 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा भाई, ये 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे -1/2। तो -1/2 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। चेक भी करके देखते हैं, अब अगर आप इस पॉलिनोमियल में -1/2 पुट करिए भाई, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी, -1/2 +1, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू -1/2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज px इज इक्वल टू 2x + 1 भाई, सिंपल है, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको बेटा नोट कर लिया, 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। भाई एक पॉलिनोमियल दिया है और अब आपको चेक करना है 2 और जीरोज का जीरोज है या नहीं। भाई देखिए चेक करते हैं, लेट px इज इक्वल्स टू x² - 2x। पहले किसके लिए चेक करना है भाई, 2, तो जहां जहां पे आप x है, यानी जहां जहां पे x है वहां पे आप कितना पुट कर देंगे, वहां पे आप 2 पुट कर देंगे भाई। यहां पे 2 पुट करा तो 2 का भाई स्क्वायर माइनस 2 × 2 ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भाई क्या हो, 2 × 2 = 4 -4 दैट इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब मुझे चेक करना है 0 के लिए भाई, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल्स टू x की जगह पे 0 और उस पे भाई क्या स्क्वायर -2 × x की जगह पे क्या भाई 0, 0 का स्क्वायर 0 -2 × 0 ये भी क्या आ जाएगा भाई 0। तो भाई आपने 2 पुट करा तब भी 0, 0 पुट करा तो भी 0, तो यानी आपके 2 एंड 0 आर बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। 2 भी इसका 0 है और 0 भी इसका 0 है, ठीक है भाई। एक और भाई हम आपको चीज बता दें, देखिए बहुत इजी है, कुछ इसमें भाई टफ नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी अ जीरो। भाई एक पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं है कि जीरो ही जीरोज हो, यहाँ पे तो जीरो जो है जीरो बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने 2 पुट करा तब 0 मिला, यहाँ पे 0 पुट करा, तो जरूरी नहीं है कि जीरो ही, जीरो नंबर ही हर एक का जीरो हो, ठीक है। 2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है जीरो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो। और हाँ, जीरो हो भी सकता है, जीरो में भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भाई, सेकंड स्टेप क्या, जीरो में भी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भाई। इसी पॉलिनोमियल में देखिए कि जब मैंने जीरो पुट करा तो जीरो मिल गया, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ तो भाई बच्चों, लास्ट आपका ऑब्जर्वेशन, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। भाई ये देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल आप जानते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। भाई लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसका सिर्फ एक ही आप जीरो निकाल सकते हैं, एक ही जीरो होता है। जैसे यहाँ पे भाई लीनियर पॉलिनोमियल था, सिर्फ इसका एक जीरो, दैट इज -1/2। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है, तो उसके कितने जीरोज होंगे, उसके 3 जीरोज होंगे। इसको याद कर लिए, ठीक है बच्चों। अगर नोट करना है तो आप ये सब जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। हाँ तो भाई बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको वेरिएबल 0 पे, वेरिएबल -1 पे और वेरिएबल 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। भाई स्टार्ट करते हैं भाई, पॉलिनोमियल क्या दिया भाई, पी एक्स हम ले रहे, लेट दिस पॉलिनोमियल बी पी एक्स। तो भाई पी एक्स कितना है, पी एक्स है 5x, ठीक है,
माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेनी है सर? x की वैल्यू 0 लेनी। तो जहां जहां पे भाई x है वहां वहां पे आप क्या ले लेंगे? 0। x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 0। तो 5 इंटू एक्स, x की वैल्यू 0, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 लगाए उस पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4, भाई ये भी 0 आएगा, प्लस 3। तो ये आपका पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। कोई भी डाउट सर? कोई डाउट नहीं। फिर से आपने पॉलिनोमियल लिख लिया, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी? सर x की वैल्यू माइनस 1 है, तो जहां जहां x है वहां पे आप क्या लिख देंगे? माइनस 1। सिंपल, p x की जगह माइनस 1, भाई माइनस 1 लिखा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 x की स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। भाई सिंपल, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? माइनस 1। x की जगह पे माइनस 1, तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे माइनस 1। तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ठीक है, माइनस लगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, सिंपल आ जाएगा भाई 4। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 4, दैट इज माइनस 9 और प्लस 3। तो माइनस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा भाई? माइनस 6। ठीक है बॉस, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू लेके पॉलिनोमियल में पुट करना। फिर पॉलिनोमियल लिखे ले रहा हूँ मैं यहाँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पॉलिनोमियल किस पे, किस वेरिएबल पे चेक करना? सर टू वेरिएबल पे चेक करना। तो जहाँ जहाँ भाई x होगा वहाँ वहाँ 2 पुट कर दिए, पी 2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, और 2 का भाई क्या स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10 माइनस अगर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा भाई 16 प्लस 3। तो 10 प्लस 3 दैट इज 13 माइनस 16, तो भाई कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? 13 माइनस 16 सर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कि कोई भी डाउट? सर कोई डाउट नहीं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड पी एट वेरिएबल 0, फाइंड पी एट वेरिएबल 1, फाइंड पी एट वेरिएबल 2, और पॉलिनोमियल ये आपका गिवन है। ठीक है, तो भाई डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पी 0। तो यहाँ पे भाई वेरिएबल क्या सर? वेरिएबल y है, तो y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? y की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो जहां जहां y है वहां वहां 0। ये y है, y की जगह 0, फिर इस पे क्या लगा भाई? स्क्वायर लगा दिया, माइनस y, y की जगह क्या सर? 0 प्लस 1। तो भाई 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो भाई सिंपल क्या आ जाएगा? 1। कोई भी दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बॉस, अब देखिए, अब हमें पी की पी वन पे, मतलब जो है पॉलिनोमियल एट वेरिएबल वन पे चेक करना है भाई। फिर से हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, पी वाई कितना है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, किस वेरिएबल पे? वन पे। तो यहाँ पे ऐसा आप लिख लिए, जहां जहां पे वाई वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे? वन। तो ये वाई है सर, वाई है, यहाँ पे वन पुट करिए, फिर उस पर स्क्वायर लगा दिए, फिर लगाइए माइनस, वाई है सर फिर से वन, फिर प्लस वन, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये भाई चला जाएगा, सिंपल क्या बचेगा? 1। कोई भी दिक्कत नहीं। अब भाई फिर से पॉलिनोमियल उतार ली, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब किस वेरिएबल पे चेक करना है सर? 2 पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा पी 2, तो जहां जहां वाई वहां वहां 2, तो वाई की जगह 2 और फिर वाई पे स्क्वायर लगा, तो भाई मैंने 2 पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस वाई की जगह सर फिर से 2 प्लस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर सर 4, ये माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नोट कर डालिए जल्दी से। हाँ तो भाई बच्चों, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, उसका ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल पे वैल्यू चेक करनी है, 0 वेरिएबल पे, 1 वेरिएबल पे और 2 वेरिएबल। भाई ये पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले हम किस वेरिएबल पे चेक करेंगे? 0 वेरिएबल पे। तो भाई जहाँ जहाँ पे टी है, यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे? 0।
तो ये हो जाएगा अपन टी सॉरी टू टी जगह जीरो प्लस टू जीरो का स्क्वायर। भाई जहां जहां पे टी है वहां वहां पे, यहाँ पे टी की जगह जीरो लिए तो इधर भी जहां जहां पे टी है वहां वहां पे आप क्या लेंगे जीरो, तो माइनस जीरो का क्यूब। ठीक, अभी आपका क्या आ जाएगा टू प्लस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू टू जीरो माइनस जीरो, तो सिंपल भाई क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हमें किस पे चेक करना है, पॉलीनोमियल एट वेरिएबल वन, तो जहां जहां पे, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे आप वैल्यू आप वन पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा भाई टी टू प्लस वन प्लस टू टी का स्क्वायर भाई वन का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब भाई वन का क्यूब। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना, तो टू प्लस वन, वन का स्क्वायर वन इंटू टू टू माइनस वन का क्यूब वन, तो भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा टू प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू फोर। ठीक है भाई, कोई भी बिल बस सिंपल आपको वैल्यू वेरिएबल की पुट करना है और आंसर निकालना है। अब वेरिएबल की वैल्यू कितनी लेना है सर, टू लेना है, तो जहां जहां पे टी है वहां वहां पे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। ठीक है भाई, टू लिखा आपने, टी टी की जगह क्या लिखना है टू, ठीक है, प्लस टू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर का मतलब है टू का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी टू का क्यूब। ठीक है बॉस, अब लिखा हमने टू प्लस टू, टू का स्क्वायर फोर इंटू टू दैट इज एट, ठीक है, माइनस टू का क्यूब, सर टू का क्यूब भी एट होता है। ठीक है, तो ये माइनस का एट, ये प्लस का एट खत्म, तो ये आपका आ जाएगा फोर। कोई भी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आप वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। अब भाई नेक्स्ट पॉलीनोमियल दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहले भाई क्या निकालें सर, पी जीरो निकालेंगे, तो भाई जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो, तो जीरो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे जीरो पुट कर, जीरो का भाई क्यूब क्या होता है सर, जीरो होता है। अब भाई दूसरा सर पॉलीनोमियल पे वन पे वेरिएबल पे चेक करना है पी वन, तो भाई जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वन का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, फिर उसके बाद सब p2 पॉलीनोमियल एट वेरिएबल टू, तो भाई यहां पे x है तो यहां पे क्या आ जाएगा टू का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एट। ठीक, अब भाई इधर आ जाइए px इज इक्वल टू x माइनस वन और x प्लस वन, सबसे पहले पॉलीनोमियल एट वेरिएबल जीरो, x की जगह पे सर जीरो पुट कर दिए, ये हो गया जीरो माइनस वन, एक्स की जगह पे फिर से जीरो प्लस वन, तो ये भाई पी जीरो आपका कितना हो जाएगा माइनस वन, भाई जीरो माइनस वन माइनस वन। ठीक है, और ये आ जाएगा जीरो प्लस वन वन, तो माइनस वन को जब वन से आप मल्टीप्लाई करें सिंपली माइनस वन आ जाएगा। हाँ सर समझ आ गया, अब पॉलीनोमियल एट वेरिएबल वन, भाई वन लिख लिया, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा वन, तो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे आया वन, फिर क्या लगा सर माइनस लगा, फिर क्या है सर वन है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर क्या है सर वन एक्स है उसकी जगह पे वन लिख दिए, फिर प्लस वन, बिल्कुल सिंपल, जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे हमने वन पुट कर दिया। ठीक है, अब वन माइनस वन जीरो, ठीक है, वन प्लस वन टू, तो भाई जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब भाई लास्ट पॉलीनोमियल पे किस वेरिएबल पे चेक करना है सर, टू पे चेक करना है, तो भाई यहाँ पे लिख दिए पी टू, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां क्या जाए सर टू आ जाएगा, एक्स की जगह पे टू माइनस वन, ब्रैकेट अगेन ओपन, एक्स की जगह पे सर टू प्लस वन, ठीक है, टू माइनस वन वन, टू प्लस वन दैट इज थ्री, वन इंटू थ्री थ्री, बिल्कुल क्लियर है ना बेटिया। बेटा वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से नोट कर लिए, ठीक है भाई। हाँ तो भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री है, वेरीफाई वेदर आर फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, भाई ये सब जो दिए हुए हैं वेरिएबल, इसमें फर्स्ट वाले में ये, सेकंड वाले में ये, फिर ये कह रहे हैं ये सब जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं, तो सिंपली हम इन सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर वैल्यू जीरो दिए दे रहा है मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद पॉलीनोमियल इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो है अदरवाइज नहीं। भाई सिंपल शुरू करते हैं, सबसे पहले भाई x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री, तो p लिखा x की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री, तो जहां जहां पे x है वहां
माइनस वन बाई थ्री, थ्री इंटू एक्स लेगा माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, ठीक है भाई, ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा भाई जीरो। तो ये देखिए, जब हमने x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पुट करा तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये इसका जीरो है, ये ट्रू है, ठीक है भाई। अब भाई सेकंड पे आते, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव एट, वेरिएबल की वैल्यू दी है फोर बाई फाइव, तो भाई जहां जहां पे x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, फोर बाई फाइव, फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, तो सिंपल क्या जाएगा माइनस फोर माइनस फाइव, भाई ये क्या जीरो के इक्वल है, सर ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये फोर बाई फाइव इसका जीरो नहीं है, तो ये आप लिख दिएगा नो, ऊपर ट्रू ना लिखे, ऊपर यस लिखे, ठीक है, ट्रू फॉल्स निकले, ये पॉलिनोमियल ये जीरोज है और ये नहीं है, ठीक है बॉस। उसके बाद आते भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट, यहाँ पे वन और माइनस वन पे चेक करना भाई, पहले वन ले लेते तो एक्स की जगह पे वन ले लिया, अब वन का भाई क्या है स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस वन, वन का स्क्वायर वन होगा फिर माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू जीरो, भाई वन का स्क्वायर करेंगे वन और माइनस वन तो ये जीरो है, ठीक है। उसके बाद किस पे चेक करना है, माइनस वन पे, ये लिए भाई माइनस वन ले लिया, तो एक्स की जगह पे माइनस वन, तो भाई माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, बिल्कुल सिंपल, माइनस वन का स्क्वायर भी क्या आएगा प्लस वन आएगा और ये माइनस वन, तो ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, आप लिख दिए भाई यस, ठीक है भाई। फिर लास्ट पार्ट पे आते हैं भाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइन और कॉमा टू, सबसे पहले भाई कितना ले लेते हैं माइनस वन, तो जहां जहां पे एक्स है पहले ले लिया माइनस वन, एक्स जगह पे माइनस वन और ये प्लस वन, फिर ये एक्स माइनस वन माइनस टू, ये माइनस वन प्लस वन जीरो, ठीक है, इंटू माइनस थ्री, भाई किसी को भी अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा जीरो, ठीक है बॉस। अब भाई इस पे चेक करते हैं टू पे, तो भाई जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आप क्या पुट कर देंगे टू, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स, एक्स लेगा पे टू, फिर क्या लगा हुआ सर प्लस वन लगा हुआ, ठीक है, फिर क्या है टू और फिर क्या है माइनस टू, तो भाई ये आ जाएगा थ्री इंटू टू माइनस टू जीरो, थ्री इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, तो भाई इस पे भी भाई जब आपने इन दोनों वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करी तो दोनों को में क्या मिल रहा है जीरो, तो ये भी आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, यस लिख दिए भाई, बिल्कुल सिंपल है। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से बेटा नोट करिए इसको भी आप। हाँ तो भाई बच्चों बेटा ये जो है क्वेश्चन नंबर थ्री का ही आगे का है भाई। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो वेरिएबल पे भाई इसको चेक करना है कि जीरो है कि नहीं भाई, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, तो पी जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह पे जीरो और उसका स्क्वायर के भाई सिंपल क्या हो जाएगा जीरो, तो यानी जब आपने जीरो की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करी, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो इस पॉलिनोमियल में पुट करी तो आपको क्या मिल गया जीरो, तो ये इसका जीरोस है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी माइनस एम बाई एल, तो भाई जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट कर देंगे माइनस एम बाई एल, ये हो जाएगा एल, एक्स की जगह पे क्या माइनस एम बाई एल प्लस एम, ठीक है, ये भाई एल से एल कैंसिल माइनस एम प्लस एम, आपको क्या मिल जाएगा भाई जीरो, माइनस एम प्लस एम जीरो हो जाएगा, तो ये भी इसका जीरो है, ठीक है बॉस। अब इधर आ जाते हैं पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पहले भाई माइनस वन बाय रूट थ्री पे फिर टू बाय रूट थ्री पे, भाई सबसे पहले वाले पे चेक कर ले, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस वन बाय रूट थ्री पुट कर देते तो हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री का भाई क्या हो जाएगा एक्स का क्या स्क्वायर, तो माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है भाई, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री और फिर माइनस वन, ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो वन इंटू वन माइनस वन, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस वन आ जाएगा भाई, ये पूरा सॉल्व होके वन और ये वाला माइनस वन, तो ये आपका जीरो है, ठीक है। अब भाई सेकेंड वाले के लिए चेक करते हैं क्या है भाई, x की वैल्यू कितनी है टू बाय रूट थ्री, भाई बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब आपने लिखा थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है टू बाय रूट थ्री, उसका भाई क्या करना है स्क्वायर करना है माइनस वन, ठीक है।
ठीक है बॉस। अब आपने लिखा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस 1, ये 3 से 3 कैंसिल, 1 इंटू 4 तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप भाई इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, माइनस 1 बाय रूट 3 पुट करने पे तो 0 मिला, लेकिन 2 बाय रूट 3 पुट करने पे 0 नहीं मिला। तो ये आपका जीरोज है, ये आपका जीरोज नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट वाले पे आते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, एक्स की वैल्यू कितनी भाई पुट करना है, 1/2, तो सिंपल है भाई, जहां जहां पे एक्स है वहां 1/2, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या भाई 1/2 है सर, प्लस 1 ये 2 कैंसिल, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये भी आपका 0 नहीं मिला, तो ये भी आप यहाँ पे लिख दिए ना सिंपली नो, तो यानी x इज इक्वल्स टू 1/2, इसका जीरोस नहीं है। भाई वीडियो को पॉज करिए जल्दी से, बेटा इसको भी नोट करिए आप लोग। हाँ तो भाई बच्चों, ये भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, और ये सब भाई पॉलीनोमियल्स दिए हुए, ठीक है, इन सब के हमें जीरोस फाइंड करना है। सबसे आसान तरीका क्या है, हर एक पॉलीनोमियल को आप जीरो के इक्वेट कर दिए और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए। सर ये क्या बोले, देखिए हमने क्या कहा, हर पॉलीनोमियल को किसके इक्वेट कर दिया आप, जीरो की इक्वेट कर दिए और एक्स की वैल्यू फाइंड कर दिए। भाई हमने पॉलीनोमियल को जीरो की इक्वेट, ये निकालने का स्टेप होता है। भाई पी एक्स कितना है सर, पी एक्स है एक्स प्लस 5, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इधर प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 इसका जीरोज हो गया। वेरीफाई करके देखें, मतलब अगर हम ये माइनस 5 यहाँ पुट करें तो हमें ये कितना दे भाई, जीरो दे। तो देखिए भाई, हम एक फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ वेरिफिकेशन कर रही हूँ, बाकी सब आपका होगा कि आपको वेरीफाई करना है। x की वैल्यू कितनी, माइनस 5 और प्लस 5, ये कितना मिल जाएगा भाई, माइनस 5 प्लस 5 जीरो, यानी x बराबर माइनस 5, ये हमने जो जीरोस निकाला है इस पॉलीनोमियल का, ये सही है। क्यों, जब मैंने माइनस 5 यहाँ पुट करा तो मुझे क्या मिल गया भाई, जीरो। हर एक में पी एक्स को किसके बराबर कर देंगे भाई, पी एक्स को आप इक्वेट कर देंगे जीरो के। फिर यहाँ पे px क्या है, x माइनस 5 सर हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये हो गया इस पॉलीनोमियल का 0। आप वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि वेरीफाई करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए फिर से px, सर px को 0 की इक्वेट कर दिए, फिर px की वैल्यू दी है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x हो जाएगा माइनस 5, एक्स हो जाएगा आपका माइनस 5/2, तो -5/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। भाई इधर आते फिर से, सर फिर यही करिए, पी एक्स को आप जीरो के इक्वल कर दिए और फिर पी एक्स की वैल्यू सर दिए 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बॉस, फिर तो 3x क्या हो जाएगा, -2 को उधर भेजेंगे तो +2, तो x इज इक्वल टू 2/3। हियर x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। फिर आ जाते हैं भाई, फिर भाई पी एक्स को हम किसके बराबर कर, सर पी एक्स को जीरो के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे पी एक्स कितना, सर पी एक्स है 3x इज इक्वल टू 0, तो भाई एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई, ये 0 है, नीचे आप 3 को भेजो तो सिंपल क्या आ जाएगा, तो इस पॉलीनोमियल का 0 क्या है, 0। ठीक है, इस पॉलीनोमियल का 0 क्या है, दैट इज 0। ठीक है, अब भाई इस पे आते, फिर पी एक्स को, सर पी एक्स को 0 ले लिए, ले लिया, पी एक्स क्या दिया सर, ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये कह रहे हैं ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब कहने का ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। अरे भाई अगर ए इसके बराबर नहीं है तो कौन किसके बराबर होगा, एक्स 0 के बराबर होगा। बेटा ये जो है बस थोड़ा सा है भाई, ये याद रखिएगा कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें, ए भी 0 के इक्वल है और एक्स भी 0 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में भाई दे दिया था कि ए 0 के इक्वल नहीं, तो हम इस ए को इसके इक्वल नहीं ले सकते भाई। अब ए अगर इसके इक्वल नहीं है तो कौन इक्वल होगा, एक्स इसके इक्वल होगा 0 के। तो जब आप 0 यहाँ पुट करेंगे आपको 0 फिर से वैल्यू मिल जाएगी, इट मीन्स 0 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल। भाई ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन पे आते, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी 0 के बराबर नहीं, और सी और डी क्या है भाई, रियल नंबर है भाई। फिर से वही, सर पी एक्स को 0 लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद सर पी एक्स की वैल्यू दी है सी एक्स प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0, तो भाई सी एक्स है इक्वल लगा है, डी को उधर भेजा
माइनस डी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई सी। तो हेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और ये कह रहे हैं सी ये कभी भी जीरो ना हो। बिल्कुल क्लियर है ना भाई? वीडियो को पॉज करिए बेटा, जल्दी से इसको भी नोट करिए आप लोग।